हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन है उसको दबाएं और वीडियो को लाइक करें। हाँ जी दोस्तों, SBI खाताधारकों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हाँ जी दोस्तों, ऑनलाइन पैसा जमा कराना हो या अपने खाते से पैसा निकालना हो या किसी भी सरकारी विभाग में कोई भी काम हो, तो हम सबसे पहले ऑनलाइन का इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, क्योंकि हमें इससे बहुत बड़ी सुविधा मिलती है। तो आपको बता दें कि आप अपने मोबाइल में नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का भी इस्तेमाल करते हैं और साइबर हैकर जो है उनका मैसेज आपके फ़ोन पर आता है और आप 1 मिनट में आपको लाखों का चूना लगा सकते हैं। तो आपको बता दें कि इस दौर में लोग पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। वहीं इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर साइबर हैकर आप लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। वहीं देश में धोखाधड़ी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही हैं। इस कड़ी में SBI के खाताधारकों को एक पर्ची SMS आ रहा है जिसमें आयकर विभाग की तरफ से होना बताया जा रहा है। यदि ग्राहक इस मैसेज पर क्लिक करता है तो सारी अपनी जमा पूंजी से हाथ धोना पड़ सकता है। हाँ जी, आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को ऐसे मैसेज से सावधान रहने के लिए कहा है। आयकर विभाग का फर्जी मैसेज इस पैक मैसेज में लिखा होता है कि आपका खाता बंद हो गया है। इस अकाउंट को दोबारा ओपन कराने के लिए लिंक पर क्लिक करें, KYC की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। वहीं हैकर्स लिंक के जरिए आप खाताधारकों की सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं और आप इन्हें खुशी खुशी दे देते हैं। इसके बाद हैकर्स ग्राहकों के खाते से लाखों रुपए निकाल लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। आपके पास एक फर्जी मैसेज आता है तो भूल कर भी कभी आप इस दिए गए लिंक पर क्लिक न करें, नहीं तो आपके खाते का सारा पैसा जा सकता है। और अगर आप दर्ज करें शिकायत, अगर SBI के खाताधारक ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हेल्पलाइन नंबर 1800 11 11 109 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने सभी लोगों के लिए बैंकिंग फ्रॉड की सूचना देने के लिए कई प्लेटफॉर्म पेश की हैं। हाँ जी दोस्तों, आपका खाता अगर SBI में है या किसी भी बैंक में है या आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। मेरी जानकारी से अगर संतुष्ट है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। Go.